अयोध्या का रुख करवाते हैं। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, माननीय विधायक अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता जी, माननीय विधायक बीकापुर डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, माननीय विधायक रुधौली श्री रामचंद्र यादव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, विधान परिषद के ही माननीय सदस्य श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री देवेश सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री अभिषेक मिश्र जी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण और अयोध्या से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, आज एक साथ अयोध्या को 1046 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही प्रबुद्ध जनों के साथ इस संवाद का कार्यक्रम हो रहा है। प्रभु श्री राम के इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं पूरे अयोध्या वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या हमारी सात पावन पुरियों में से प्रथम पुरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसलिए दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को बनाना, इस उद्देश्य से आज प्रातः काल से मैं, मेरे सहयोगी मंत्री, जनप्रतिनिधि और 12 विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण सुबह से ही इन सब कार्यों को लेकर के अयोध्या में बैठ करके विभिन्न योजनाओं का मौका मुआयना कर रहे हैं, विभिन्न स्थलों पर जाकर के कार्य की प्रोग्रेस को भी देख रहे हैं और उन कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कैसे अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जाए, इस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अकेले अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा वर्तमान में स्वीकृत की गई है। एक नए अयोध्या के रूप में स्थापित कर जनता की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने, और अगर दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारी अयोध्या भी पीछे नहीं रहेगी, हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो आगे बढ़ेंगे ही, भौतिक विकास के भी नित नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। इस उद्देश्य से आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आज भारत दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है।